वन एम्पियर बेटे। सो लेट अस है बेटे वन एम्पियर बेटा। वन एम्पियर बेटे बेसिकली आप इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया करते हो। ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है दैट इज बेटे एम्पियर। अगर बच्चों में आपको जो बैकग्राउंड ऑफ द डेफिनेशन है इफ वी फोकस अपॉन दैट यू माइट हैव इन योर 10th स्टैंडर्ड स्टडीड दैट वी वर हैविंग टू पैरेलल कंडक्टर्स बेटे। और इन टू पैरेलल कंडक्टर्स में से इफ वी मैनेज सम इलेक्ट्रिक करंट आई और इसमें से भी हम इलेक्ट्रिक करंट आई पास करवा दें एंड फर्दर मोर वी इमेजिन दैट बेटा कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं दीज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 meter अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इन दोनों में से जो बराबर का करंट फ्लो हो रहा है बेटा वी विल से दैट कि ये 1 ampere तब होगा अगर ये दोनों जो एक दूसरे के पैरेलल करंट कैरी कर रहे हैं एक दूसरे कंडक्टर को अट्रैक्ट करें विद ए फोर्स ऑफ 2×10⁻⁷ N/m व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम बेटा। तो आई होप कि वो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट आपको याद है कि मैं इसको बेटे और डिटेल में बता दूं बेटा। यस बेटा दिया आई कैन सी यू। जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाला करते थे वो कंसेप्ट याद है कि मैं एक बार और बैकग्राउंड में चला जाऊं। यस बेटे दिया एक बार ही बता दो। एक बार बता दें। चलिए बेटे सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए बेटा आप इस कंडक्टर को ए बी कंडक्टर बोल दीजिए एंड लेट अस से दैट दिस इज योर एक्स वाई कंडक्टर। दीज टू कंडक्टर्स आर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द पैरेलल डायरेक्शन बेटा। इमेजिन इस कंडक्टर पे हमने एक पॉइंट पी इमेजिन किया है। इस करंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी गिवन बाय योर राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करूं तो फिंगर्स मेरी पी पॉइंट पे अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। सो बेटे डियर चिल्ड्रन दैट विल मीन दैट कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी डायरेक्टेड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं बी वन कह देता हूं। बी वन क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कंडक्टर दैट इज योर ए बी। और बेटे बी वन आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू बेटा बी वन इज म्यू नॉट इंटू आई ये वाला अपॉन 4 pi इंटू आर। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है आपका आई थिंक 2 हुआ करता है बेटा। सो ये आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r वैसे ही आपका फॉर्मूला आपको याद भी होगा। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब बेटे बड़े ध्यान से अगेन सुनिएगा। अब ए बी कंडक्टर को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाइए। इमेजिन करिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है हमने निकाल लिया कितना है और ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है। इसमें से भी आई करंट आई वन आई टू कह देते हैं दैट विल बी मच बेटर। आपको थोड़ा डिस्टिंक्शन करना भी आसान हो जाएगा राइट बेटा। अब आई टू करंट इस कंडक्टर में से पास हो रहा है फील्ड परपेंडिकुलरली लगा हुआ है। बेटे डियर चिल्ड्रन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू माइट बी रिमेम्बरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड बेटा फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई द कंडक्टर। सो डियर ऑल लेट अस अप्लाई फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड अंदर की तरफ चला गया एंड इलेक्ट्रिक करंट दिस इज अपवर्ड यू कैन सी और मेरा जो थंब है बेटा ये ए बी कंडक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। यू माइट बी व्यूइंग दैट मैं रिपीट करूंगा दिस इज माई लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड फील्ड अंदर की तरफ है बोर्ड की और बेटे इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड है आई एम मेकिंग इट अपवर्ड और ये देखिए थंब आपको ए बी की तरफ जो है ये डेफिनेटली मिल जाएगा। आई विल अगेन अप्लाई ओवर हियर देखिए फील्ड मेरा अंदर की तरफ करंट अपवर्ड और ये थंब आ गया। इट विल मीन दैट कि इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इसको मैं बेटे एफ वन कह देता हूं और बेटे डियर चिल्ड्रन फोर्स ऑन द कंडक्टर टू कहना चाहिए रादर एफ टू जो है
that will be equal to B1I2 into L. You might be remembering this is BIL sine theta beta. और पुत्र आपका थीटा यहाँ पे 90 है, साइन 91 दे देगा. और थीटा है किसमें एंगल? मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरियिंग कंडक्टर के बीच में एंगल है. तो फील्ड आपका अंदर की तरफ है, करंट अपवर्ड है. तो बच्चों ये एंगल जो है दिस इज 90 degree, दिस इज द एंगल अबाउट आई वॉज टॉकिंग बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन हम इस कंडक्टर पर इस करंट कैरियिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स निकालने वाले हैं. दिस फोर्स विल बी इक्वल टू बी वन म्यू नॉट अपॉन 4 pi ऑलरेडी था, दिस इज 2 I1 भी था, I2 यहां से मिल गया, डिवाइडेड बाई स्मॉल r. स्मॉल r बेटा मैंने इनके बीच में सेपरेशन को बोला है, साथ में L भी आ गया बेटा. L को मैं इधर ले आता हूं, F2 अपॉन L, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 I1 I2 अपॉन r. इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके सेकंड कंडक्टर पर इधर को एक्ट किया बेटा. नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, लेट मी डू द कन्वर्स आल्सो. ये I2 करंट आपके XY कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है. अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं, इसको थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सी AB कंडक्टर पर मेरी फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं. यू कैन सी बेटे दिस वे, ये फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं. आई विल मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट क्यू. और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ निकला यहां से, इसको मैं B2 बोल देता हूं. एंड बेटे डियर ऑल, B2 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू बेटा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 I2 अपॉन r बेटे. ये आपको बच्चों B2 जो है ये मिल गया बेटा. फील्ड आपकी तरफ, इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड. अगेन आई विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, करंट अपवर्ड है, दिस इज अपवर्ड, फील्ड आपकी तरफ, करंट अपवर्ड. तो मेरा थंब देखिए बेटे इस एक्स वाई कंडक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है. सो आई विल बी सीइंग दैट अगर मैं फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करूं, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 1, इस पे इधर को फोर्स लगेगा एंड इट विल बी इक्वल टू B2 I1 into L साइन 90. मैं नहीं लिख रहा हूं, साइन 91 हो जाएगा. L को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, F1 upon L B2 I1. डियर चिल्ड्रन B2 इज विद यू, म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 I1 I2 अपॉन R. दिस इज योर बेटे F2 अपॉन L बेटा. आपने दोनों फोर्सेस बेटे निकाल ली हैं. सो F1 था ये, सॉरी F2 नहीं था. आपने दोनों फोर्सेस बेटे निकाल ली हैं, ये देख लीजिए पर यूनिट लेंथ. दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब है कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा कि कई बार हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी कैरियिंग केबल्स होती हैं, पैरेलल चलती हैं, वो उनके बीच में डिस्टेंस मिडल में जाके कम हो जाता है, बिकॉज व्हेन दे आर कैरियिंग करंट पैरेलल टू ईच अदर अट्रैक्ट करते हैं कंडक्टर. तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन बेटा हो गया. अब बेटे हमारा काम था 1 एम्पियर को डिफाइन करना, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे. तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए देखो पुत्र जी, ये राइट साइड जो है इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ. पहले मुझे ये बता दीजिए यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, वैसे तो रेपिटेशन ही है ये. अंजलि, हरनूर, इशनूर, मिताली, मनजोत, नमनप्रीत, अर्शप्रीत और राघव, सहज, वंश, देन बेटा दीक्षा, सारे स्टूडेंट्स बेटे मुझे बताइए ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, मैं तभी आगे चलूंगा पुत्र. सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? ओके बेटा, ठीक है जी, ठीक है. चलिए फिर बेटे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ साइड बाय साइड. अब बेटे देखो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं हम. हमने मानना है कि करंट 1 एम्पियर हमारा फ्लो हो, मतलब कि हम 1 एम्पियर करंट को क्योंकि डिफाइन करने जा रहे हैं. आई विल से दैट कि I1 भी आपका 1 एम्पियर है, I2 भी आपका 1 एम्पियर है. अगर ये दोनों 1 एम्पियर हम डिफाइन करना चाहें,
तभी हम इनको 1 एम्पियर 1 1 वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली जो है। सो म्यू नॉट होता है 4π 10⁻⁷, इसकी वैल्यू आपने 10th स्टैंडर्ड में कर रखी है, दिया ऐसा है डिवाइडेड बाई ये वाला 4π, साथ में एस एच आ गया, ये 2 आ गया, ये वाला I1 भी 1, I2 भी 1, डिस्टेंस इनके बीच में आपने पहले ही 1 मीटर ये देखिए बोला हुआ है, राइट। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं एंड लेट अस सी बेटा सॉल्व करने पे हमें रिलेशनशिप में न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा कितना मिल जाता है। सो बेटे मेरे पास था फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे आप सेकंड पे निकाल लो चाहे फर्स्ट कंडक्टर पे निकाल लो, आई मीन टू से दैट चाहे F1/L लिख लो चाहे F2/L लिख लो, बात एक ही है। इसमें 4π से 4π आपका कट गया जी, और क्या बचा, एक 2 × 1 × 1, दिस इज जस्ट 2 बेटा, एंड 10⁻⁷। बेटे F/L के यूनिट्स क्या होंगे, एनी वन फ्रॉम यूर साइड, फोर्स पर यूनिट लेंथ के क्या यूनिट्स होंगे डियर चिल्ड्रन, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, मीटर नहीं बेटे न्यूटन पर मीटर, मीटर ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है ना बेटा, तो वी शुड राइट न्यूटन पर मीटर, सो इतने न्यूटन पर मीटर। बेटे अब बात बन गई है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये दो कंडक्टर्स जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम 1 एम्पियर तब कहेंगे अगर ये दोनों कंडक्टर्स में से एक ही डायरेक्शन में यानी पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, पहली बात। दूसरी बात, इन कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर का, ठीक है जी। और तीसरी बात, इनके बीच में मीडियम कौन सा था, एयर लिया है हमने बेटा, सो वी लेट अस डिफाइन दिस 1 एम्पियर, वी कैन से दैट बेटे 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन मेड टू पास थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बेटा। सो आइए बेटे अब मैं लिख देता हूं डेफिनेशन को। सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट करंट विच व्हेन मेड टू पास थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर मेक्स द कंडक्टर्स टू अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतना अट्रैक्टिव फोर्स बेटा इनके बीच में अगर जो प्रोड्यूस हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा इन दोनों कंडक्टर्स में से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा दैट इज 1 एम्पियर बेटे। सो डियर चिल्ड्रन मे आई होप, नहीं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं बेटा, अगर आपको पेपर में ये डेफिनेशन आता है ना तो यू जस्ट नीड टू राइट दिस डेफिनेशन, दिस ऑल वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आया कहाँ से है। कई बार हमने लोअर क्लासेस में जो है हो सकता है कि इसमें से पूरा ना किया हो, कई बार वो लास्ट ईयर बेटे थोड़ा सिलेबस में भी CBSE में थोड़ा सा चेंज आया था, तो मे बी है ना बेटा, सो यू आर नॉट टू गो फॉर दैट, आप सिर्फ इतना डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर बैकग्राउंड नॉलेज बेटे। शुड आई मूव अहेड बेटे डियर चिल्ड्रन, यस बेटा, अंजलि, हरगुन, हरनूर, ओके बेटा। देन बेटे इसके बाद मेरे पास आ जाता है 1 केल्विन बेटे, आइए देखें 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया जाए, और 1 केल्विन को डिफाइन करने के बाद
हम नेक्स्ट हमारे जो डेफिनेशंस हैं बेटा इनको कैसे देखेंगे, आइए बेटे वन बाय वन इस सारे को डिस्कस करें। वन केल्विन बेटा, केल्विन बेटे जो है ये आपका टेम्परेचर का पुत्र यूनिट है। टेम्परेचर को आप एक तो डिग्री सेंटीग्रेड या एक केल्विन या एक फ़ारेनहाइट में मेजर किया करते हो, तो यू कैन अडॉप्ट एनी वे, बट आपका जो एसआई सिस्टम है उसमें केल्विन ही आपका स्टैंडर्ड यूनिट जो है ये हीट का माना जाता है। अब इसके लिए बेटे हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये पता होना चाहिए कि हमारा थर्मोडायनामिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। बच्चों किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इन खास न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आपका जो लिक्विड वाटर है ये तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है, दैट इज लिक्विड सॉलिड एंड गैस। तो ये अंडर दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस जो को एग्जिस्टेंस ऑफ योर वाटर है इनटू द लिक्विड स्टेट, इनटू द गैशियस स्टेट एंड इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बेटी। तो जो थर्मोडायनामिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसका 1/273.16 पार्ट को 1 केल्विन कह देते हैं। तो आइए मैं डिफाइन कर दूं बेटा, 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बेटे। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा ट्रिपल पॉइंट का मतलब पुत्र क्या है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि तीनों स्टेट्स में आपके वाटर का को एग्जिस्ट कर जाना, मे बी लिक्विड मे बी सॉलिड मे बी गैशियस स्टेट, वो खास टेम्परेचर, वैसे कोई खास वैल्यू प्रेशर की भी होगी उस टाइम पे हम, लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही बेस लेके चल रहे हैं, उस टेम्परेचर का इतना हिस्सा जो है उसको हम बेटे 1 केल्विन कह दिया करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन इसके साथ बेटा हमारा मोल का डेफिनेशन है वो मैं नहीं आपको बिल्कुल भी डिस्कस करूंगा, आपने केमिस्ट्री में कर रखा है ऑलरेडी, यू नो दैट कि 1 मोल कितना होता है। इट इज बेटा 6.02 × 10³³ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। और बेटी एक टर्म आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटी, उसको मैं इंटेंशनली यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज हम थोड़ा लाइट के साथ अभी नहीं डील करेंगे, तो जब मैं लाइट वाला चैप्टर हाँ जी बेटी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हरगुण अभी कर देता हूँ, वो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट है वो मैं अभी लीव कर रहा हूँ, तो वी विल बी हैविंग दैट डिस्कस्ड व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग दैट चैप्टर। इसको थोड़ा सा देखिए एक बार फिर से बेटा, आपने फिजिकल कंडीशंस कुछ ऐसे बना रखी हैं, फिजिकल कंडीशंस का मतलब है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर, आपने टेम्परेचर और प्रेशर कुछ इस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है कि आपका जो पानी है तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी सॉलिड भी और गैशियस यानी वेपर स्टेट भी। अब आप प्रेशर को छोड़ दीजिए, बाकी की कंडीशंस को भी छोड़ दीजिए, वो टेम्परेचर नोट कर लीजिए जिस टेम्परेचर पर ये को एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर का इतना हिस्सा ले लो आप, 1/273.16 हिस्सा जो है वो आपको 1 केल्विन दे देगा बेटा, दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन। सो हरगुन डियर चिल्ड्रन बेटा, हरगुन इज इट नाउ ओके बेटा, हरगुन देन बेटे हरगुन ओके बेटा नाइस। इसके बाद बेटे मैं डायरेक्टली हमारी जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं रेडियन एंड बेटा स्टी रेडियन इनको डिफाइन करके फिर हम बेटे अपना एक्चुअल सेंस में यूनिट्स वगैरह जो हैं उनकी बात स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम बेसिक्स में ही हैं अभी भी डिस्कशन कर रहे। आइए बेटे देखें रेडियन क्या है। रेडियन डियर चिल्ड्रन एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल बेटा, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल बेटे।
और बेटे जो प्लेन एंगल का जरा समझिए पहले बेटे, मैं बाद में लिखवा देता हूं आपको। ये मान लो एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ है, और ओ से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस है इसको आप ऑब्वियसली रेडियस ही बोलते हो बेटा, रेडियस ही बोलते हो ना। आपने ये ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट अपना माना। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा सारे बच्चे, जितना ये डिस्टेंस है ओ से लेकर ए तक मतलब रेडियस है आपका, बिल्कुल उतना मेजरमेंट करके आपने ए पॉइंट से यहां तक एक मार्क लगा लेना है, निशान लगा लेना है। ये डिस्टेंस आपका जो है एस, ये रेडियस आर के बराबर हो जाना चाहिए। अब आपका बी पॉइंट जरा पहले समझ लीजिएगा, बी पॉइंट को ओ से आपने ज्वाइन कर दिया, इट विल बी अगेन रेडियस ना बेटा। अब और ध्यान दीजिएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये डिस्टेंस भी आपका किसके बराबर, रेडियस के बराबर है ना बेटे। अब आपका यहां पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे, अगर ये डिस्टेंस आपका रेडियस के बराबर आप ले लोगे, इसको 1 रेडियन कहते हैं बेटा, इट विल बी कॉल्ड 1 रेडियन बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई राइट द डेफिनेशन जरा सुन लीजिएगा। 1 रेडियन जो है बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल बेटे। तो आइए बेटे इसको डिफाइन करके देखें। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपके बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, बच्चों पाई रेडियन ये आपका 180 डिग्री के बराबर हुआ करता है, एंड 1 रेडियन ये 180/π डिग्री के बराबर आ जाएगा बेटा, एंड इट विल बी 180π होगा, 22/7 ये डिग्रीज आ जाएगा बेटे। इसको मैं थोड़ा और अगर चेंज कर लूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटे। और डियर स्टूडेंट्स, 2 11s are 22, 90 बन गया बेटा। आइए थोड़ा और इसको कर लें, 11 8s are 88, 2 20, 20 गया, 11 1s are 11, 9 90, 11 8s 7, दिस इज देयर बेटा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 7 8s are 56, 1 5 कैरी हो गया, 7 1s are 7 plus 5 ये 12 बन गया, 1 कैरी, 7 8s are 56 बेटा, एंड 56 और जो 1 कैरी किया था 57 बन गया। सो बेटा ये 57.3 डिग्री के बराबर हो जाता है। हमेशा याद रखिए, 1 रेडियन आपका 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है, इसको अपने माइंड में रखिएगा, हमारे काम आ सकती है ये चीज। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लो, सोच लो, परख लो, समझ लो। अगर कोई बात आपको लगती है तो मुझे जरूर बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर बेटा क्वेश्चंस विद एनी स्टूडेंट फ्रॉम द होल क्लास। कोई डाउट आपको यहाँ तक हो तो जरूर बताइएगा, सो दैट की दैट कैन बी रेक्टिफाइड जस्ट बिफोर स्लिपिंग इन टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। सो किसी भी बच्चे को कोई है बात तो पूछनी तो बताओ बेटा। वन डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पुत्र उल्टा कर लो ना, इसको इधर ले आओ नीचे, तो मैं लिख देता हूं, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/57.3
रेडियन। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते आप यहीं पे आ जाइए इधर, ये देखो जो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 1 डिग्री, दिस इज पाई बाई 180 रेडियन। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ये ठीक लगे ये नोट कर लो, ये ठीक लगे ये नोट कर लो। अगर दोनों ही ठीक लगे तो ये तो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, फिर तो चलो दैट इज द विन विन सिचुएशन, है ना बेटा। यस बेटे डियर ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शक वाली बात ना रह जाए किसी भी स्टूडेंट के माइंड में। ओके नाइस बेटा, आपके माइंड में छोटे से छोटा भी क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछिएगा, नहीं तो फिर बेटे वो जो छोटी सी चीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक डाउट बन जाता है, और बाद में जो डाउट है वो आपके सब्जेक्ट की डिसलाइक का जो है रीजन बन जाया करता है। सो कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट हो डोंट हेजिटेट, ये नहीं सोचिए कि बाकी क्या कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, या सर क्या कहेंगे, सर भी आपके ही हैं, आप भी सर के ही हैं, कोई बात नहीं सर कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो जैसे भी आपके माइंड में कोई भी बात आए तो जरूर पूछिए उसको। आइए बेटे आगे चलें, 1 रेडियन, 1 रेडियन, इसको एस आर दोनों शॉर्ट में इससे डिनोट करते हैं बेटा। सो वी हैव टाइम विद दस, ये हो जाएगा कंप्लीट। बेटे 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए डियर चिल्ड्रन पहले जरा समझिएगा, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये अब बीच में से खाली नहीं है, सॉलिड स्फीयर है ये। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं, आपको लगेगा कि ये चीज जो है ये खाली नहीं, ये सॉलिड स्फीयर आपने बच्चों इमेजिन किया। और बेटे डियर चिल्ड्रन इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जरा फोकस करिएगा, लेट इट बी द सेंट्रल पॉइंट ओ। सेंट्रल पॉइंट को ऑब्वियसली आप सेंटर ही कह देते हो ना बेटा। आपने क्या किया, ये रेडियस ड्रॉ किया इस स्फीयर का जी, ये रेडियस आर हो गया बेटा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लो फिर लिख लेना। अगर रेडियस इसका बेटे 3 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, तो बेटे रेडियस का स्केयर कितना हुआ, 3 का स्केयर कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर स्केयर। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपका रेडियस आर हो गया, मान लिया 3 सेंटीमीटर है, रेडियस का स्केयर कर दिया, 3 का स्केयर 9 आ गया, या आर का स्केयर आर स्केयर आ गया। आप अब क्या करिए, ये सर्कल नहीं है, फुटबॉल की तरह सोचो इसको, फुटबॉल के अंदर एयर फील्ड होती है, आप मान लो कि ये 3 डायमेंशनल है, फुटबॉल के बिल्कुल टॉप पे कंपास रखो, कंपास का नीडल रखो और ऐसे पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर दो दिस वे राइट। उस सर्कल का रेडियस इतना आपने एडजस्ट करना है ताकि उसका जो एरिया आप निकालोगे वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ये रेडियस है, रेडियस का स्केयर कर लो, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू का इसके सरफेस के ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो कंपास रख के। ये सर्कल सा लग रहा है अब आपको, इस सर्कल का जो एरिया है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर के स्केयर के बराबर है। और बच्चों बात सुनने वाली अब है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ने सेंटर पे जो एंगल ये बना दिया है, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन राइट बेटा। फिर से ध्यान, आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाते हो ना ऐसे वो वी शेप्ड होता है नीचे से, तो अगर आप उसके वो कर्व्ड सरफेस का एरिया उसको सर्कल मान के निकाल लो, अगर वो उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए देन दैट विल बी 1 रेडियन। तो मैं यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहा था, वाटरमेलन की बात कर रहा था, उसकी सरफेस पे आप एक एरिया ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर तक ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल जो बना ये 1 रेडियन तब होगा अगर ये रेडियस का स्क्वायर इस सर्कल के एरिया के बराबर आ जाए बेटे। इज इट क्लियर? अब लिख दूं मैं, ओके नाइस। सो 1 रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड is defined as the angle
subtended at the center of the solid sphere by that surface whose area is equal to the square of रेडियस जो हाँ जी बेटे ये तो अपलोड हो जाएगा. सैटरडे मैं घर पे था तो आई वॉज टेकिंग क्लास फ्रॉम माई सेल फोन. मे बी उसमें मुझे पता नहीं होगा कि कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह है. आई विल इन्वेस्टिगेट दैट ऑल्सो. सो ये इट विल बी अपलोडेड, डोंट वरी. सो बेटे इसमें कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो मुझे बता दीजिए, वैसे लगना नहीं चाहिए. डियर चिल्ड्रन, आई होप कि ये कंसेप्ट का आपको अच्छे से क्लियर है. तो इसके साथ बेटे हम हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं ये हमारे बेटे एक हमने जो मोल आपको चलो वो बता दिया मैंने, और एक मैंने कैंडला नहीं आपको बताया है, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में अभी ज़्यादा हमने बात की नहीं हुई है लोअर क्लासेस में. तो द मोमेंट आई विल फील कि हमने काम कर लिया है एट दैट टाइम आई विल बी डिफाइनिंग वन कैंडला ऑल्सो बेटा. सो पुत्र सारे स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आपका काम क्या है, अब आपने फिजिकल क्वांटिटी उसकी टाइप्स वगैरह यूनिट्स कौन कौन सी टाइप के हैं, एसआई यूनिट क्या है, उस एसआई यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने ये सारी अब डिफाइन कर ली हैं. इनको बेटे कम से कम एक दो बार ज़रूर इंटेंसिवली पढ़िएगा और बेटे उसके बाद फिर हम कल अपने जो बेसिक यूनिट्स हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह जो है इनको डिफाइन करके फिर आगे चलेंगे बेटा. सो विद दिस ऑल बेटा आई जस्ट बेटा से कि आप ये काम कंप्लीट कर लेना. सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल बेटा, और दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू बेटा.